ये है हमारी बस, दिस इज दी बस कानिया, जिंग बस ऊपर लिखा हुआ है, जिंग बस प्लस सप्लाई पार्टनर नॉर्दर्न। तो ये जिंग बस के पार्टनरशिप में है नॉर्दर्न ट्रैवलर्स की। तो मैं वीडियो नहीं बना पाई आज मैं फिर से जा रही हूँ दिल्ली से आउट, बट इस बार मैंने करी है जिंग बस से, मगर मुझे जिंग बस से मिली है स्कानिया की बस। स्कानिया की बस प्राइवेट बस है और 11 बजे का टाइम था, आ गई टाइम से। बस कुछ ऐसी दिखती है, प्राइवेट बस है ये, और ऊपर शेल्फ है। वैसे 11:15 बजे बस आ गई है, हालत ख़राब हो गई वेट करते करते बस की तो। और मेरी सीट पीछे है, सेकंड लास्ट रो में है, 44। अभी तक तो बस खाली ही दिख रही है मुझे, भरी तो नहीं है, ऑलमोस्ट खाली दिख रही है। लेट अस सी कहाँ पे भरती है बस, पीछे भी सारी खाली पड़ी है। तो मैं ना घर से लिपस्टिक लगा के नहीं आई थी, अच्छा ही लगता, मैंने अभी बस में लगाई है, थोड़ा सा अच्छा लगता लिपस्टिक लगा के चेहरा। प्यास बहुत देर से लगती है, अब प्यास पानी पीऊँगी क्योंकि बस मिल गई है, टेंशन फ्री हो गई हूँ। सुबह बस उतारेगी 11 बजे आउट, अब थोड़ा सा पानी वानी पी के सो जाएंगे। बस कुछ ऐसे दिखती है, आई मीन द सेकेंड लास्ट रो, पीछे एक लास्ट रो है। मैंने ड्राइवर भैया को बोला आगे बिठा दो, उन्होंने बोला बस पूरी भरी हुई है, मगर मुझे भरी हुई तो नहीं दिख रही है, खाली दिख रही है पूरी बस। झूठ बोलते हैं, चेहरा बहुत पतला सा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया था मैंने 3-4 दिन। तो जो कंडक्टर है ना, वो मेरे घर से एक लिस्ट में से कुछ नंबर्स दे के लोगों को कॉल कर रहा है, मेरे घर से जो पैसेंजर्स यहाँ से पिकअप लेने वाले होंगे ना, उन लोगों को रिमाइंडर कॉल या कॉल कर रहा है, क्योंकि अभी तक बस ना खाली है, मतलब हाफ भी बस अभी नहीं भरी है। मतलब मेरे साइड की तो आगे की 2 सीट खाली है, मेरी वाला रो खाली है पूरा, ये मैं दिखा देती हूँ, पूरा रो खाली है और पीछे का पूरा रो खाली है। और वो भैया बोल रहे हैं, जब मैंने भैया को बोला कि भैया मुझे ना आगे की सीट दे दो, तो उन्होंने बोला मैडम बस पूरी फुल है, एंड सीरियसली बस पूरी पैक है, पूरी फुल है बस, जगह नहीं है बस में। और वैसे भी 15 मई हो गई है, छुट्टियां पड़ गई हैं, तो अब तो और फुल जाएंगी सारी बसेस। आई डिडंट रियलाइज़ कि ना 15th मई आ गया है, 15th मई तो छुट्टियां पड़ जाती हैं, छुट्टियां पड़ गई हैं बच्चों की, तो अब छुट्टियां और बसें चलनी शुरू हो जाएंगी हिल स्टेशन पर, अब भीड़ भड़क्का रहेगा। आई डिडंट रियलाइज़ दिस थिंग एट ऑल, एनी हाउ गर्मी लग रही है इसको, इन्होंने बंद क्यों करके रखा है। भैया आगे की सीट नहीं है। सो वन मोर वैरायटी ऑफ बस, दैट इज डेल्टिन। सो दिस इज डेल्टिन बस, दिस इज DELTIN ट्रैवल्स, आई जस्ट शो यू, ओके। सो दिस इज डेल्टिन बस, सो इट्स अ प्राइमो अ राइजिंग स्टार ऑन रेड बस। सो ये रेड बस से बुक होती है आई गेस। इसका साइन भी अलग से है, ये है इसका साइन डेल्टिन का, इसका कलर भी अलग है, इट्स अ लाइक पेस्टल ग्रीन, एंड आई लाइक द टेक्सचर ऑफ दिस पेंट ऑल्सो, आई मीन इट्स अ पेस्टल ग्रीन, इट्स अ नियो ग्रीन, इफ यू विल से इट्स अ नियो ग्रीन कलर, इट्स नॉट ब्लू, इट्स नॉट ग्रीन, इट इज पेस्टल ग्रीन कलर, एंड दिस इज द लोगो दे हैव, ये लोगो है इनका। और ये रेड बस से बुक होती है, दिस इज़ व्हाट आई सी, आगे भी लिखा हुआ था डेल्टिन। सो देयर आर वैरायटी ऑफ बसेस लाइक हिम सेतु, नॉर्दर्न, शिवालय, रामदलाल। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग डेल्टिन बस, आई मीन फॉर मी इट्स अ न्यू बस। जिंग बस वगैरह के तो ऐप्स हैं, मगर ये वाली बस मेरे लिए नहीं। इसका कलर काफ़ी अच्छा है यार, आई मीन आई लाइक द कलर ऑफ दिस बस। एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ कि ना, जब मैं बहुत पहले ना सितंबर में गई थी शायद दिल्ली से अमृतसर,
तो जिस प्राइवेट बस में मैं रुकी थी ना, उसने हॉल्ट इस वाले ढाबे पे लिया था, बहुत ही घटिया ढाबा थर्ड क्लास। मगर रात को यार मैं देख रही हूँ यहाँ पे ना सारी फाइव स्टार जो बसेज है सारी, जैसे हमारी तो स्कानिया की है ये वाली 6011, ये तनिष्क होटल हॉलीडेज़ की है, ये यहाँ पे स्टॉपेज लिया है, ये वॉल्वो है, राम दलाल की बस यहाँ पे खड़ी है। एंड टू माय सरप्राइज आई डोंट बिलीव दिस कि एचआरटीसी की भी बसेस यहाँ पे हॉल्ट ले रही है। और मेरे ख्याल से एचआरटीसी की यहाँ पे तीन बसेस है, ये दिल्ली टू शिमला है, दिस इज दिल्ली टू शिमला, दैट इज बैक टू दिल्ली, दिस इज राम दलाल, हमारी ये वाली है करतार ट्रैवलर्स, इसके तो कर्टन्स भी नहीं है भाई। सबसे अनोखी बस है ये हमारी, दिस बस डज नॉट हैव कर्टन्स, अदरवाइज ऑल बसेज हैव कर्टन्स। हिम सेतु की बहुत अच्छी बस है, दिस इज हिमाचल की गवर्नमेंट बस हिम सेतु, ये भी हिमाचल की है हिम सेतु, मगर इसके ना प्राइस बहुत हाई रहते हैं। पन बस, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम, तो ये पन बस जा रही है हिम सेतु, एक और वो खड़ी हुई है दैट इज अगेन शिमला टू दिल्ली, तो शिमला टू दिल्ली अगर इनसाइड है तो दिल्ली टू शिमला वो जा रही है हिम सेतु। तो हिम सेतु की एक दो तीन तो हिम सेतु की खड़ी हुई हैं। एंड दिस इज़ दी रविश ढाबा, बहुत ही बेकार ढाबा है यार, मगर आई वंडर कि यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी बसेस कैसे होल्ड कर रही हैं, दिस इज़ टू माई सरप्राइज, बहुत ही एक्सपेंसिव ढाबा है। और मैं देख रही कोई भी बंदा नहीं खा रहा यार, मैंने तो खैर घर से दो तीन पराठे बना के लाई थी आलू के, दो तो मैंने बस में खा लिए, उसके बाद मैं सो गई। दिस इज़ राम दलाल बस, आई डोंट नो ये कहाँ जा रही है, हमारी तो स्कानिया, मैंने मतलब स्कानिया से ज़्यादा अच्छी बस है ये वाली UP 311, मगर हमारी स्कानिया तो बहुत ही बेकार है यार, मैं तो सोची थी स्कानिया अच्छी बस होगी, ये लिखा हुआ है, आई शो यू इट्स टैग, तो ना बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने स्कानिया, ये ऐसे करके लिखा हुआ है। एंड दिस बस डजंट हैव कर्टन्स, इसके कर्टन्स नहीं हैं, कुछ इनके पास इंटरनल्स कुछ कर, ये है हमारी बस, दिस इज दी बस स्कानिया, जिंग बस ऊपर लिखा हुआ है, जिंग बस प्लस सप्लाई पार्टनर नॉर्दर्न, तो ये जिंग बस के पार्टनरशिप में है नॉर्दर्न ट्रैवलर्स की, दिस इज व्हाट इट इज, एंड दिस इज द ढाबा, बहुत ही रेयर कोई खा रहा है यार, बहुत ही रेयर कोई नहीं खा रहा है, मैं तो नहीं खा रही, एक और आके लग गई है बस, अनदर बस इज विथ फुल कर्टन्स, ये भी काफ़ी अच्छी बस है। सो लेट अस गो इनसाइड, दिस इज द लाइट, कौन सा चैनल है मैडम आपका, YouTube का चैनल है आपका, कौन सा है? So this is my partner tonight in the bus. She is a Gujju partner and she is also going to Ott Banjar. I'm so lucky to have a seat with her. मैं ये बताती हूँ हमारी बस ही एक ऐसी है जिसमें curtains नहीं है, बाकी सारी buses जितनी भी रुकी है ना सब में curtains हैं, मतलब सारी buses में curtain है, हमारी exceptional है बस, wonder wonder है। ड्राइवर साहब के पास सारे controllers हैं, I don't know what is this, maybe this is the music system, as he has all the controllers over here. I don't know what all control he has. Up down, achha ye chhat ka hai, and lights, he has lights. Then these are lights. I don't know what is this. I don't know what is this. क्योंकि छत के ऊपर जा रहा है, ये नीचे बॉटम बेस में है, ये फिर रूफ पे है, फिर ये नीचे है।
मुझे वाटर बॉटल लेनी है। नीचे भैया पूछे थे आपका यूट्यूब चैनल है, मैंने कहा मेरा यूट्यूब चैनल है। एक और बस आगे रुकी है यार, ये वाली, ये भी काफ़ी अच्छी, इसमें भी कर्टन्स हैं। ये भी नॉर्दर्न की है यार। हमारी नॉर्दर्न में सिर्फ कर्टन्स क्यों नहीं है, बाकी सब की नॉर्दर्न्स में कर्टन्स हैं। वेरी फनी थिंग यार, बट ये नहीं लिखा ये किसके थ्रू है। हमारी वाली में लिखा हुआ है जिंक बस, हमारी वाली में। मुझे ना कंडक्टर साहब नहीं देख रहे ना, तो मैं उनको बोलूँ सर एक हमारी बस में सिर्फ कर्टन्स क्यों नहीं है, बाकी सबकी बसेस में कर्टन्स हैं। भले चंगे कर्टन्स लगे हुए हैं यार। आई विल आस्क हिम दिस थिंग, है ना। बीर बिलिंग की बस है ये, बीर बिलिंग देखा हुआ ना, बीर बिलिंग हिम सेतु, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट की है हिम सेतु। एक और आगे रुकी है हिम सेतु, एक और आगे नॉर्थन की, ये इसने वहाँ रोक दी MM ट्रैवलर्स की। मेरे ख्याल से प्राइवेट बसेस का ये अड्डा है, दिस इज़ दी अड्डा ऑफ प्राइवेट बसेस। आई एम वेटिंग आउटसाइड टू हैव वाटर बॉटल, क्योंकि पानी नहीं है और मुझे प्यास लग रही है। या तो मैं खुद खोल के ले लूँ पानी की बॉटल 2-3, अगर लॉक करा होगा तो नहीं ले पाऊँगी, लॉक नहीं करा होगा तो मैं ले लूँगी, तो लेट मी ट्राई। लॉक है यार, आई वॉन्ट वाटर बॉटल। मैं तो बोल दूँगी लॉक कर दो दोबारा से भैया, मैंने खोलने की कोशिश करी थी। My bus is having so nice lights now. बस लाइट्स अच्छी हूँ, हमारी बस के ना सिर्फ लाइट्स अच्छी हैं मगर कर्टन्स नहीं है। दिस इज द अल्टीमेट बस वी हैव विथ गुड लाइट्स बट नो कर्टन्स। दिस इज हाउ यू क्लाइंब, वेरी स्टॉप a small step to take like this. Everything in these shops are so super expensive. तो मैं एक शॉप पे गई, चिया सीड का एक जूस था कांच की बॉटल में, मेरे ख्याल से एक लीटर भी नहीं था, हाफ लीटर था, दैट वॉज ऑफ 100 rupees। दूसरा मैंने एक फ्रूट जूस उठाया, गुआवा ऑफ लिटल एलोवेरा इन इट, 70 rupees। एक पहले 100, फिर दूसरा 70। जूसेस आर सो एक्सपेंसिव इन सच स्टॉपेज यार, बेटर टू ब्रिंग फ्रॉम आर होम यार, ये सब चीज़ें अपने घर से ही लेके आ जाओ। आई मीन ट्रैवलिंग इज सुपर सुपर एक्सपेंसिव दीज डेज। और अभी दो लड़के बोलते हैं, एक दूसरा लड़का दूसरे को बोलता है इंडिया में बहुत करप्शन है यार, इंडिया इज़ फुल ऑफ करप्शन। ऑफकोर्स इंडिया इज़ फुल ऑफ करप्शन यार, क्या बता रहे हो, सबको बता, इंडिया इज़ फुल ऑफ करप्शन, हर चीज़ में करप्शन है, हर चीज़ में करप्शन है, शादी से लेके हर चीज़ में धोखा है इंडिया में, कुछ नहीं कर सकते हो तुम। करप्शन इज दी बेस ऑफ इंडिया। हिम सेतु की बस जा रही है, दिखा देती हूँ, वो जा रही है, बहुत सारी बसेस खड़ी हैं यहाँ और हमारा ड्राइवर नहीं आया। मुझे लेनी है वाटर बॉटल तो इसलिए मैं बाहर खड़ी हुई हूँ। The only drawback of my bus is it is without curtain. मैं बार बार बोलूँगी और मैं अपनी बस को बार बार बोलूँगी कि हमारी बस में without curtain है, as every bus has curtain. ऐसे देखो सब buses में curtains हैं, सब buses में, every bus has curtain except our bus. And I will say this thing 100,000 times. कितना गंदा लगता है कि यार अंदर पैसेंजर बैठे हुए और पैसेंजर सो रहे हैं और they are not giving curtains. है ना, पीछे भी जो बस है उसमें भी कर्टन लगा हुआ है। एवरी थर्ड ग्रेड बस विल हैव कर्टन बट नॉट दिस बस हैज अ कर्टन। बुलशिट बस मैन, जिंक बस वालों की बस है ये, जिंक प्लस वालों की बस है। मैंने आगे दिखाया था जिंक प्लस लिखा हुआ है, इसके आगे सालों ने कर्टन नहीं दिया।
और बात कर रही हूँ हमसे जो बाद में बस आई थी ना, जो यहाँ पे खड़ी थी, इस प्लेस पे जहाँ खड़ी थी, जहाँ मैं हूँ, मतलब इस दोनों बसेस के बीच में, मतलब इस बस के बीच में और इस बस के बीच में जो एक बस खड़ी थी ना, वो चली गई है, हमसे बाद में आई थी, मगर ये बस नहीं गई है अभी तक। इस बस के ना ड्राइवर और कंडक्टर ने अभी तक खाना नहीं खाया है, इतना खाना खा रहे हैं ये लोग अभी तक बैठ गए, है ना। वो ड्राइवर अंकल जी फटाफट से खा खो के चले गए। दिस इज सो रिडिकुलस, फनी मैन, फनी पीपल ओवर हियर। सो इफ यू जस्ट सी, दे हैव रिटन डेल्टिन ट्रैवलर्स, दे हैव देयर ओन कंपनी एंड दे हैव देयर ओन वेबसाइट ऑल्सो, इट्स www.deltintravelers.com। सो दे हैव अ हेल्पलाइन, आई डोंट नो वेदर दे पिक इट अप और नॉट, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, मगर ये रेड बस के थ्रू बुक हो रही है। इट्स अ वेरी डिफरेंट कलर, मैं मतलब दिखा रही हूँ, देयर कलर इज रियली डिफरेंट। पीछे तो खैर इंजन काफ़ी गर्म हो रहा होगा, कलर इसका काफ़ी डिफरेंट है, दे हैव वेरी डिफरेंट ग्रीन कलर, इट्स अ पेस्टल नियॉन ग्रीन कलर, मगर दूर से अच्छा है, गोल्डन एंड ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन, इट्स अ नाइस कॉम्बिनेशन, नाइस, आई लाइक दिस बस ऑल्सो, प्लस दे हैव कर्टन्स, दे हैव कर्टन्स, आप बस डोंट हैव कर्टन्स, जो मैं हर समय रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, आप बस डोंट हैव कर्टन्स, एवरी एस बस हैज कर्टन्स। हमारी बस पता नहीं कब जाएगी, मुझे नींद भी आ रही है और मुझे पानी भी पीना है, मुझे प्यास भी लग रही है, आई डोंट नो व्हेन विल आवर बस कम। एवरी बस हैज कर्टन यार, सी एवरी बस हैज कर्टन, इफ यू सी दिस इज दी माय मोटिव, दिस इज माय मोटिव, एवरी बस हैज कर्टन, बट आ बस डस्ट। हमारी चढ़ रही है और लाइट्स ऑन हो गई है, एसी भी ऑन कर दिया होगा। भैया पानी दे दो, पानी पानी, पानी दे दो, दो 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 बोतलें दे देना, पीछे 24-25 में पानी चाहिए, 24-25, अच्छा मतलब पूरे टाइम से नहीं दिया, हम लोग वैसे तो घर से लेकर आए थे अब, मगर वो पानी खत्म, हाँ क्या हुआ, घर से लेके आए तो खत्म नहीं हो गया, हाँ थोड़ा सा रह गया, घर से लेकर आए थे। आपने इसमें कर्टन्स क्यों नहीं लगाए, सब बसेस में कर्टन्स है, सिर्फ एक करतार ट्रैवलर्स में कर्टन्स नहीं है, पर्दे तो वॉश हो गए, वापस नहीं आए, आप देखो ना सारी बसेस में कर्टन्स लगे सिवाय करतार ट्रैवलर्स, तो मैं यही कह रही हूँ कि ना आपका ना ये डेल्टन की बस, डेल्टन की बस यहाँ लग गई है भैया, फिर तो हम ठीक है, वी आर नॉट एक्सेप्शन, अगर डेल्टन की बस यहाँ लग गई तो फिर ठीक है। इसका कलर बहुत प्यारा है डेल्टन का, नियो ग्रीन, ये आई है या गई है, क्योंकि एक वहाँ खड़ी हुई थी, वो खड़ी हुई है, अरे चल क्यों नहीं रही है, भैया बस में ही पार्टनर है, पता नहीं वहाँ पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जहाँ तो सेम जगह रहे हैं वैसे, बाई चांस शी इज ऑल्सो गोइंग टू सेम प्लेस वेयर आई एम गोइंग, सो लेट अस सी इफ
वी विल मीट ओवर देयर और नॉट। मित्तल मिल लेंगे और क्या। सो लेट अस सी हम लोग कब तक पहुंचेंगे। बस चल पड़ी है मैडम, मूवी देख रही हैं अपने फ़ोन में। पता नहीं कौन सी मूवी देख रही, कौन सी है पाकिस्तानी। अच्छा बड़े मेरे को भी अच्छे लगते हैं पाकिस्तानी सीरियल, बहुत सही रुला देते हैं और इमोशनल ड्रामा बहुत बढ़िया होता है इनका। बंदे भी बड़े अच्छे एक्टिंग करते हैं। लगी रहो मैं भी लगी रहती हूँ मैं भी लगी रहती हूँ। चलो एसी ऑन कर दिया। कह रहा है कंडक्टर वो भैया बोल रहे हैं, अरे पढ़े लिखे कोई नहीं देखते ऐसी चीज़ें, और पढ़े लिखे बेकार होते, अनपढ़ ही अच्छे रहते हैं। आजकल ना पढ़े लिखे ना सर बहुत खाते हैं, क्योंकि मैंने बोल दिया ना कर्टन ही लगे हुए, आजकल पढ़े लोग सर बड़े खाते हैं। मैंने कहा अच्छा जी ज़रूर, मतलब हम भी ड्राइवर बन जाए अनपढ़ होंगे सब अपने ना अपने पॉइंट्स ऐसे अच्छे से रखेंगे ना, मतलब कि दे आर 100% करेक्ट और वी आर 200% रॉन्ग। चलो भैया ठीक है, विदाउट करते नहीं सही, दौड़े गए हैं। ये भी गए थे, ये मैडम देख रही है ये चलता है कौन से उस पर है, ये यूट्यूब पे नहीं उस पर भी आता है ना। तो मैं आ गई हूँ बंजार। मेरा जो रिज़ॉर्ट है वो है बेस्ट रिज़ॉर्ट, वुड रिज़ॉर्ट है ना। ये तीर्थन है, रिवर पीछे बैठने की जगह, अभी ये ना अंडर कंस्ट्रक्शन है, पीछे बैठने की है। एक रूम ये रहा, शायद लॉक है। एक रूम ये रहा, ये रूम मेरा है, मैं रूम दिखा देती हूँ। ये नीचे किचन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, इनका ऊपर ढाबा है वैसे। ये मेरा रूम है, और सॉरी ये वाला रूम नहीं है, ये रूम है मेरा, लगेज पड़ा हुआ है।
एक सीट है, अलमारी, मेरा शोल्डर बैग, अंदर कंबल ही कंबल रखे हुए हैं। नीचे खाली है बेड। ये देखो, दिस इज़ दी बेड। मेरा पर्स पड़ा है, मैंने शूज़ उतार दिए, रात भर से शूज़ पहने हुए हैं। रूम स्लीपर्स, और ये वॉशरूम, गीज़र ऑन कर दिया नहाने के लिए, स्लीपर्स दे रखे हैं। और ये मैं हूँ, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। ऊपर इनका ड्रोम भी है, वो भी अभी ड्रोम भी दिखाऊंगी, थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद दिखाऊंगी ड्रोम इनका। तो विंडो से व्यू ऐसा है, कर्टन्स लगा रखे हैं, बढ़िया से कर्टन्स लगाए हुए हैं। तो एक रूम मेरा है, दो रूम पीछे हैं, तीन चार पाँच, पाँच रूम हैं। तो पाँच रूम नीचे हैं, पाँच रूम ऊपर हैं, ऊपर ड्रोम्स हैं। ये रिवर है, और ये सामने भी एक स्टे है, काफ़ी बड़ा स्टे है, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया था। और ये मंदिर है सामने, पेड़ आ गया। अब नहाना हो तो नहा लो। ये सामने सिटिंग बना रखा है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी, दिखा देती हूँ। चलो अभी ये इनका बाहर सिटिंग लॉन्च। और जो आएंगे वो इस रास्ते आएंगे, पुलिस रास्ते बनेगा या उस रास्ते बनेगा। ये किचन बन रही है इनकी, ये डिश वॉशिंग एरिया है, कुकिंग एरिया ये है इनका, ये कुकिंग एरिया है। पत्थर काटा है, पत्थर नहीं कट रहा, बड़ी मुश्किल से ये पत्थर काटा हुआ है, ये बड़ा पत्थर। ये पुरानी वाली है ना आपकी चक्कियाँ? ये पुरानी वाली है, अब ये नहीं चलती है। ये विद्युत, हाँ, क्योंकि जाम भी हो गई ना ये सारी। हाँ, बिल्कुल जानती है। अच्छा, और ये नई वाली है। अब एक महीने बाद इसको चालू करोगे आप? अभी इसमें तेल डाल रहे हैं आप? क्या? ऑयल डाल रहे हैं। अभी क्यों डाल रहे हो? किसी को जाना है। हैं? जाना किसी को? जाना है किसी को ना? मतलब? जाना है किसी को? जाना मतलब? मैं कह जाना किसी को ना? मैं समझ नहीं आ रहा। और को जाना है? और को? अच्छा, और कहीं भी जाना है? हाँ। अच्छा, आपकी कहीं और भी चक्की है? और नहीं। अच्छा, इसमें आप ऑयल डाल के चले जाओगे? हाँ। अच्छा, आटा इसमें डालते हो? हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ से भी गेहूं फिर जो सरसों। अच्छा, ये अंकल जी भी है, ये निकालती तेल ना? अच्छा, मैं समझ गई। अच्छा, तेल निकालती है मशीन? ओके। जो जैसे वो मूंगफली का तेल और सरसों का तेल, कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, ये सरसों, ये तेल निकालने वाली मशीन है। तो बड़े भारी है, कैसे लगाया यहाँ पे आप? अच्छा, खोल के लेकर आए? फिर आपने इसको नट बोल्ट लगाया यहाँ पे? जोड़ी है ना ये आपने सारी? कहाँ से निकलता तेल? यहाँ से? नहीं, पीपे में आएगा। अच्छा, ये पीपे में आता है एक मिनट। अच्छा, ये पीपे में आता है तेल। अच्छा, तो ये आप इसमें सरसों के बीज डालते हो? हाँ जी, सरसों का। अच्छा, गेहूं वाली नहीं है ये? गेहूं वाली नहीं है? गेहूं वाली है। हाँ, मैं समझ गई। और यहाँ ऊपर में डालते हो? ऊपर में डालते हो यहाँ पे? और यहाँ से फिर पीस जाती है? फिर पीस के यहाँ पे इकट्ठा करके निकाल देते हो, वो जो तेल नीचेगा और वो सूखा निकाल के निकाल देते। हाँ, दिखाते तो है, मगर आज रियल टाइम में देख लिया, आज टीवी में तो बहुत देखा है। बढ़िया है। टीन की छत रखी है? टीन की छत लगानी है आपको? ऊपर लगाओगे? ये लगाओ फिर आप टीन की छत। काफी पुराना है दादा ये तो? 25 साल हो गए। आप कितने साल के? 76 साल। अच्छा, 76। अच्छा, ये नहीं कवर के यहाँ से पानी आता होगा? नहीं, ये गोरे कहते हैं। अच्छा, सही है, बहुत पुराना सा है ये आपका। हाँ, और ये जो मशीन है, ये ऊपर
पुरानी वाली, ये यहाँ से पानी आ रहा है, बड़ा पाइप तो यहाँ पे दो तीन है पाइप, तो बड़ा पाइप का है ये वाला, मगर ये तो बहुत सारे पाइप है, 1 2 3 4 5 5 पाइप है 4। ये मोटा वाला, वो तो पानी जा रहा है। अच्छा ये मोटा वाला, अच्छा मोटा वाले से ये वाला चलता था, ये तो बहुत भारी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चलती थी ये वाली पाइप। अच्छा जी, ये भी जाम हो गई है, ये भी बंद है, ये वाली भी बंद है ना आपकी। अब अच्छा, बहुत पुराना है इनका ये सेटअप सारा। दादा ये पाइप यला चलता है इस वाले पाइप से, इस पाइप हमें समझ गए, ये पानी का पाइप है ना वाइट वाला, इसके अंदर जाएगा। हाँ फिर ये अंदर ये घुमाएगा, फिर ये घूमेगा। अरे बहुत भारी है वो तो, भारी है तो क्या करना। कहाँ से आप? दिल्ली जी। और क्या, नेड़े ही है। हाँ वैसे अमृतसर से हूँ, पापा अमृतसर से। तो सब ब्यूटीफुल, काफी खेत वेत भी है यहाँ पे। ये वहां जाऊंगी अभी, मंदिर है ये सारा उधर। तेल डाल के चले गए। ओके गुड मॉर्निंग। स्वेटर पहना हुआ, गर्मी लग रही मेरे को अब धूप से भाई, रात को तो बहुत ठंड लग रही थी मेरे को। टाइल्स लग रही है, दो टाइल टूटी भी निकली है, दो टाइल टूटी, तीन चार, चार टाइल टूटी भी निकले अभी तक। यूज हो जाएगी कोई नहीं, मगर टूटी हुई टाइल देख के बड़ा दुख होता है। ये गर्मी है, कितनी जोर से धूप आ गई। नींद तो बहुत बढ़िया आई सही में। आपके चंपा बोल रही थी कि